का 16 नंबर फंक्शन एफ आर टू आर पे डिफाइन है कैसे, एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर से। चलिए तो पहले हम लोग वन वन की बात कर लेते हैं। लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इट्स डोमेन आर। तो यहाँ वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर और इधर हो जाएगा वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर। वन से वन कट गया, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर हो सकता है लेकिन रियल नंबर के लिए एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं होगा। देयर फोर एफ इज नॉट वन वन। ये फंक्शन क्या है, वन वन नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। चलिए अब अनटू की बात कर लेते हैं, अनटू के लिए बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, तो आ जाएगा रूट अंडर वाई माइनस वन, यही ना आएगा, x का वैल्यू आएगा रूट अंडर वाई माइनस वन। तो यह रियल नहीं होगा जब, यहां लिख सकते हैं व्हेन y बिलोंग्स टू, कहां से, तो अगर मैं इसमें इसमें रख दूं माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन के बीच कोई भी एलिमेंट रख दूं तो ये हमेशा रियल नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा तो रियल नहीं होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर, कौन से एलिमेंट, तो माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच, हैविंग नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन आर, देयरफॉर एफ इज नॉट अनटू। फंक्शन एफ अनटू नहीं है यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है, यानी कि ये फंक्शन एफ जो है ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट।